झारखंड प्रदेश में एनडी गठबंधन सरकार की नाकामी, बेरोजगारी, घुसपैठ, अफसरशाही, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार समेत कई मुद्दों को लेकर देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 20 सितंबर को साहिबगंज जिले से परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे और साहिबगंज जिले के बरहेट के भोगनाडी में वीर शहीद सीधो कानो, चांद भैरव, फूलो जानो को नमन कर झारखंड में होने वाली आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर राजमहल विधानसभा और बोरियो विधानसभा के हजारों भाजपाई कार्यकर्ता परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने में जुट गए हैं। वहीं बुधवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश रांची से हेलीकॉप्टर के माध्यम से साहिबगंज जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन मैदान पहुंचे, जहां पर मौजूद राजमहल विधायक अनंत ओझा, पूर्व विधायक लॉबिन हेम्ब्रम, पूर्व विधायक ताला मरांडी, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव, जिला अध्यक्ष उज्जवल मंडल, वरिष्ठ भाजपा नेता गणेश तिवारी समेत अन्य ने बाबूलाल मरांडी और दीपक प्रकाश का अंग वस्त्र और बुके देकर उनका भव्य स्वागत किया। साहिबगंज पहुंचते ही पुलिस लाइन स्थित मोदी मैदान में आयोजित कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और कई दिशा निर्देश भी दिए। वहीं उसके उपरांत बाबूलाल मरांडी अपने काफिले के साथ शहर के जिला परिषद कॉम्प्लेक्स पहुंचे, जहां सभागार में परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने और उसकी तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में शामिल हुए। बैठक में भाजपा मंडल अध्यक्ष समेत नेता व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आगामी 20 सितंबर को पूरे प्रदेश में होने वाली परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ साहिबगंज जिला से हो रहा है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह का आगमन साहिबगंज में हो रहा है, जिनके द्वारा साहिबगंज जिले के बरहेट के भोगनाडी में सीधो कानू, चांद भैरव को नमन कर परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। उसके उपरांत साहिबगंज स्थित पुलिस लाइन के मोदी मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बाबूलाल मरांडी ने मीडिया को बताया कि पूरे प्रदेश में हेमंत सोरेन की सरकार ने प्रदेशवासियों को ठगने का काम किया है। घोषणा पत्र के अनुसार न ही नवविवाहिता को सोने का सिक्का मिला, न ही बुजुर्गों को 2500 रुपए का पेंशन मिला, ना ही युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिला। जॉब के नाम पर कई युवाओं की मौत भले ही हो गई। हेमंत सोरेन की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ प्रदेश में अवैध पत्थर खनन, बालू खनन के साथ साथ यहाँ के खनिज संपदा को लूटने का काम किया है और इस बार पूरे प्रदेश में परिवर्तन की बारी है। ये परिवर्तन यात्रा जो कि झारखंड में आज जिस प्रकार की सरकार चल रही है, पिछले 5 वर्षों में सरकार ने लोगों को ठगा ही है, लोगों को लूटा ही है। अब याद करिए, उन्होंने जितनी भी वादा किए थे एक भी वादा को उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि गरीबों को साल में हम 72,000 रुपया देंगे। 5 साल पूरा हो गया, वही अब 1 महीना भी नहीं, एक साल भी नहीं। उन्होंने घोषणा की थी कि जो विकलांग है, दिव्यांग है, विधवा है, वृद्ध है, महिला है, जो पेंशन जिसको मिलता है, कहा था कि हम 2500 रुपया पेंशन देंगे, वो भी नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि गरीबों को, माँ बहनों को चूल्हा खर्च महीना में 2000 रुपया देंगे, उनकी घोषणा पत्र में इन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा था कि नवविवाहिता जो लड़की है, जब शादी होगी उनको सोने की सिक्का देंगे, अरे चांदी का भी सिक्का नहीं दिया। उन्होंने देश के झारखंड में 10 लाख से अधिक लोगों के ग्रीन कार्ड बनाए थे। हमने कहा था कि सबको हम राशन देंगे मुफ्त में 5 किलो, जैसे देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं वैसे ही देंगे, लेकिन किसी को नहीं दिया। आज भी ग्रीन कार्ड लेकर के लोग घूम रहे हैं। नौजवानों से कहा था कि 5 लाख नौकरी देंगे, साहब 5 लाख नौकरी छोड़ दीजिए, आज तो जॉब के नाम पर जिन लोगों को दौड़ा रहा है, 16-17 बच्चे मौत के मुंह में समा गए। कहा था कि रोजगार नहीं तो 5000-7000 भत्ता देंगे। उन्होंने गरीबों को तो कहा था कि पेट्रोल देंगे 10 लीटर सब्सिडी में, लेकिन कुछ दिया नहीं।
और लूटा तो सब कुछ, पत्थर को भी लूटा, बालू को भी लूटा, कोयला को भी लूटा, यहाँ तक कि मिलिट्री की जमीन तक के भी लूटा। तो इसलिए आप झारखंड की जनता परिवर्तन मांग रही है, झारखंड में आप परिवर्तन हो, बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बने, क्या उसके लिए ये परिवर्तन यात्रा है। और अभी 20 तारीख को इस देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं, पहले भोगनाडी आएंगे, शहीदों कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और इसके बाद साहेबगंज आकर के सभा को संबोधित करेंगे। यात्रा का प्रारंभ भोगनाडी साहेबगंज से होगा, ठीक है। बड़ी खबरों के लिए देखते रहे अटल भारत।